क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा भी हत्याकांड हुआ था जिसकी इन्वेस्टिगेशन इतनी हैरतअंगेज तरीके से हुई थी कि आप सोचेंगे कि अभी तक इस पर कोई मूवी या वेब सीरीज क्यों नहीं बनाई गई। ये केस भारत के इतिहास के सबसे मुश्किल और पेचीदा केसों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसमें कोई सुराग था ही नहीं जिसके जरिए किसी इंसान का पता कर सके। आज भी वहाँ के लोकल लोग पुलिस की तारीफ करते थकते नहीं है। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट ड्रम केस ऑफ केरला। ये कहानी शुरू होती है केरला के एर्नाकुलम नाम के शहर से। यहीं पर एक नदी किनारे एक नीले रंग का ड्रम या बैरल पड़ा हुआ था। ये कई महीनों से यहीं पर पड़ा हुआ था। इसमें से हल्की हल्की बदबू आती थी, कभी ये बदबू तेज हो जाती तो कभी धीमी आती थी। तो 8 जनवरी 2018 के दिन सुबह के समय कुछ मछुआरे उस ड्रम की ओर से गुजर रहे थे। अचानक से इसी दिन ड्रम के अंदर से एक बहुत ही गंदी बदबू निकलनी शुरू हो गई। मछुआरों को डाउट होने लगा, इसकी गंध एक सड़ रही लाश जैसी थी। इन्होंने सोचा रोज रोज इसे झेलने से अच्छा है चलो आज इसे जड़ से ही खत्म कर दिया जाए। अब ये लोग ड्रम के करीब जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस दिन ड्रम के अंदर से इतनी तेज गंध निकल रही थी कि किसी मछुआरे की वहाँ पर जाने की हिम्मत नहीं हुई। अब इन्होंने पुलिस को कॉल करके बुला लिया। एर्नाकुलम साउथ स्टेशन की पुलिस मौके पर पहुंचती है। ड्रम को झाड़ियों में से घसीटकर एक साफ जगह पर लेकर आते हैं। वो बहुत भारी था, उसे अब लंबाई में काटा जाता है ताकि ये देख सके कि इतनी गंध क्यों आ रही है और ये भारी इतना क्यों है। इसके अंदर कॉन्क्रीट और ईंटें भरी हुई थी, इन्हें लोहे की रॉड से तोड़ा गया। इसके अंदर पुलिस को कुछ दिखाई देता है, वो एक इंसानी कंकाल था जिसकी बहुत सारी हड्डियां गल चुकी थी, लेकिन कुछ चीजें अभी भी बाकी थी जैसे कि खोपड़ी, पैर का हिस्सा और भी बाकी चीजें थी। इससे ये साफ हो गया कि हो ना हो ये जरूर कत्ल का मामला है। कॉन्क्रीट को और तोड़ा गया जिसमें से और भी चीजें मिलती हैं। इंसानी हड्डियां तो थी, इसके अलावा किसी कपड़े का टुकड़ा था, 50 सेंटीमीटर लंबे बालों का एक गुच्छा मिला, एक स्क्रू और वॉशर था जिसकी लंबाई 6.5 सेंटीमीटर थी, 4 भारतीय नोट मिले जिसमें से 3 500 के नोट थे और 1 100 का नोट था, एक चांदी की करधनी मिली और एक अंडरगारमेंट मिला। अब इन सभी चीजों को एक हॉस्पिटल में भेज दिया गया, कलामेश्वरी मेडिकल कॉलेज। ये एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल होने के साथ साथ मेडिकल कॉलेज भी था। अब डॉक्टर्स के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। पहले तो ये पता करना था कि ये हड्डियाँ किसी मर्द की हैं या फिर औरत की, मरने वाले की उम्र क्या थी, मरने का कारण क्या था। सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि ये हड्डियाँ किसकी थी, कातिल कौन है। इसमें हड्डियों को रीअरेंज किया गया ताकि हाइट वगैरह पता कर सकें, जबड़ों की हड्डियों को रिकंस्ट्रक्ट किया गया ताकि मरने वाले की एज और जेंडर पता कर सकें। वैसे जो बालों के गुच्छे मिले थे उनसे लग रहा था कि लाश किसी औरत की थी, लेकिन आजकल तो लड़के भी लंबे बाल रखते हैं। हड्डियों से पता चला कि मरने वाले की हाइट एवरेज थी। हो सकता है कि ये लाश किसी टीनेज लड़की की रही होगी या फिर किसी ऐसे लड़के की जिसने अपने बाल बढ़ा रखे थे। इन दोनों में कंफ्यूजन था। जैसे जैसे पोस्टमार्टम आगे बढ़ा इसमें पता चला कि ये लाश किसी महिला की है जिसकी उम्र 20 से 25 साल के बीच रही होगी। 3 दिनों तक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चलती रही, 8 जनवरी से 11 जनवरी तक। हड्डियों से जितनी भी जानकारी मिलनी थी लगभग उतनी मिल चुकी थी। अब बारी थी बाकी मिली चीजों की जांच करने की। ये सब कुछ 3 दिनों के अंदर ही हो रहा है। जब पुलिस को वो 3 500 के और 100 का नोट मिला था तब उन्हें शक हुआ कि जिसकी भी हत्या हुई है वो 2016 के नवंबर महीने से पहले हुई होगी, लेकिन लाश जनवरी 2018 में मिली है। ये तीनों 500 के नोट पुराने वाले थे, नोटबंदी के पहले वाले थे। नदी के आसपास रहने वाले कुछ मछुआरों ने यह भी बताया कि वो लोग ड्रम को 2016 के सितंबर महीने से देख रहे हैं। इन्हें लगता था कि ये कहीं से बह कर आया होगा, उसी तरह से पड़ा हुआ भी था, इसलिए हम लोगों ने उस पर कुछ खास ध्यान भी नहीं दिया। अब पुलिस के पास उतनी जानकारी थी जो जो चीजें सामने मिली थी, जैसे कि हड्डियां, इंडियन ओल्ड करेंसी, बालों के गुच्छे। इनसे पता चला कि मरने वाली एक महिला है, एवरेज कद काठी की, जिसकी उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच की है। इसकी हत्या नवंबर 2016 से पहले हुई होगी, लेकिन अभी भी ढेर सारे सवालों के जवाब पता लगाना बाकी था, जैसे कि मरने वाला कौन है, क्यों मारा गया, किसने मारा। अभी तक किसी की मिसिंग रिपोर्ट भी नहीं मिली थी। खबर चारों तरफ फैलने के बावजूद भी कोई सामने नहीं आ रहा था जो ये क्लेम करे कि उसके घर से 2016 में कोई गायब हुआ था।
ये सब कुछ 8 जनवरी से 11 जनवरी के बीच में चल रहा है। इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे सीबी टॉम। इनको लोकल लोग शर्लॉक होम्स भी बुलाते थे, क्योंकि इन्होंने मुश्किल से मुश्किल और पेचीदा से पेचीदा केसों को सॉल्व किया था। ये हर केस को जड़ तक जाकर सॉल्व कर देते थे, जिस वजह से लोग इन्हें शर्लॉक होम्स बुलाते थे। अब जब ये ड्रम वाला केस सामने आया तो सीबी टॉम भी उलझनों में पड़ गए। जो भी जानकारी उससे हासिल हुई थी उसमें कोई भी लीड नहीं था। मरने वाले की पहचान तक करना जिसे पहाड़ चढ़ने जैसा हो चुका था। 11 जनवरी 2018 के दिन सीबी टॉम को एक कॉल आता है। ये कॉल पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स के हेड ने किया था। कॉल पर डॉक्टर ने ऑफिसर को बताया, देखिए हमें जितनी भी जानकारी मिली थी हमने आपको रिपोर्ट में भेज दी है, लेकिन हमें एक पैर की हड्डी में से स्क्रू और वॉशर मिला है। पता नहीं वो आपके कितने काम का है, लेकिन छोटी से छोटी जानकारी पुलिस के लिए कीमती हो सकती है। हमें विक्टिम के एंकल में से 6.5 सेंटीमीटर का स्क्रू और वॉशर मिला है। हो सकता है कि इसका एक्सीडेंट हुआ हो, सर्जरी के समय इसे लगाया गया हो। अगर मैं सही हूँ तो इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। हमारे पास इतना एडवांस माइक्रोस्कोप नहीं है जिससे हम पता कर सकें। अगर आप कुछ इंतजाम कर सकें तो शायद कुछ बात बन जाए। सीबी टॉम ने कहा, अगर ऐसा है तो आप कुछ देर इंतजार करिए, मैं कुछ करता हूँ। सीबी टॉम ने जुगाड़ लगाकर एक हाई रिजोल्यूशन कैमरे का बंदोबस्त कर लिया। अब इस कैमरे से स्क्रू को देखा गया। उसकी ऊपरी सतह पर लिखा था पिटकर। ये मैन्युफैक्चरर का नाम था और इसके साथ साथ इस प्रोडक्ट का एक बैच नंबर भी लिखा हुआ था। पिटकर पुणे बेस्ड एक कंपनी है जो कि सर्जरी इक्विपमेंट्स, हड्डियों के लिए स्क्रू वगैरह बनाती है। एक तरह से मेडिकल कंपनी समझ लीजिए। अब इस कंपनी के बारे में पता लगाया जाता है जिससे उनके क्लाइंट्स के बारे में पता चल सके। सीबी टॉम को रिसर्च करने के बाद पता चलता है कि पिटकर के ढेर सारे ब्रांचेस हैं, लेकिन केरल में केवल एक ही ब्रांच है। यही इकलौता डीलर पूरे केरल में सर्जिकल इक्विपमेंट्स और स्क्रू प्लेट सप्लाई करता है जो कि पिटकर कंपनी बनाती है। इत्तेफाक से ये एर्नाकुलम में ही था। सीबी टॉम अपनी टीम के साथ उस ब्रांच पर जाते हैं और पूछताछ शुरू करते हैं कि हमें आपसे कुछ जानकारी चाहिए थी। हमारे पास एक स्क्रू और वॉशर है जो एक पेशेंट के एंकल में लगाया गया था। इसका बैच नंबर ये है। हमें उस पेशेंट के बारे में जानकारी चाहिए थी। वहाँ के मैनेजर ने कहा, हम सालों से इसकी डीलिंग कर रहे हैं, कितनों का पता लगाएं। अगर आपके पास कोई पार्टिकुलर डेट और टाइम है तो हमें आसानी होगी। इतने में सीबी टॉम को याद आता है कि उस नदी के आसपास कुछ रहने वाले लोगों ने मुझे बताया था कि ये ड्रम वो लोग सितंबर 2016 से देख रहे हैं। हो सकता है कि ये कत्ल 2016 में हुआ हो। हालांकि हमें ये ड्रम 2018 में बरामद हुआ था। वहां से मिले 500 के नोटों से भी लगता है कि ये सारा मामला 2016 या उससे पहले का हो सकता है। सीबी टॉम ने ब्रांच के मैनेजर से कहा, हमें 2016 की सारी जानकारी चाहिए। कितने लोगों को इस कंपनी ने स्क्रू और वॉशर भेजा है, खास तौर से एंकल सर्जरी के लिए, इसी स्क्रू के साइज का, इसी से मिलता जुलता। ब्रांच ने अपना सारा डेटा खंगाला, जिसमें पता चला कि कुल 161 स्क्रू और वॉशर की डीलिंग हुई थी, जिसमें से 155 महाराष्ट्र और गुजरात में गया था और बाकी के 6 एर्नाकुलम के आसपास के इलाकों में गए थे। इतना सुनकर पुलिस वालों को कुछ उम्मीदें नजर आने लगी कि उनका इन्वेस्टिगेशन सही ट्रैक पर चल रहा है। इसके बाद पुलिस की अलग अलग टीमें इन 6 पेशेंट के घर पर जाती है, जिसमें से 3 तो आसानी से मिल गई थी। इन्होंने कहा कि हाँ, 2016 में इनका ऑपरेशन हुआ था, एंकल सर्जरी हुआ था जिसमें स्क्रू और वॉशर लगाया गया था। अब पुलिस को बचे हुए 3 पेशेंट नहीं मिल रहे थे। जैसे तैसे 2 और पेशेंट मिल गए, वो भी ठीक ठाक थे। अब पुलिस को 1 पेशेंट नहीं मिल रहा था, उसे बहुत ढूंढा गया। वो थी 54 साल की शकुंतला। अब ये हुआ कि शकुंतला कहीं मिल नहीं रही है, उसका एड्रेस भी नहीं है। तो हम लोग उस हॉस्पिटल में चलते हैं जहां पर उनका ऑपरेशन हुआ था। पुलिस अब उस हॉस्पिटल में जाती है, वहां के सारे डेटा खंगाले जाते हैं, लेकिन शकुंतला नाम के अलावा कुछ भी वहां पर रजिस्टर नहीं था। ना ही शकुंतला का सरनेम था, ना ही एड्रेस, ना ही कोई फोन नंबर, कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन विजिटर्स की लिस्ट में पुलिस को एक नाम दिखाई पड़ता है। वो बार बार हॉस्पिटल में आती जाती थी जब तक कि शकुंतला हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसका नाम था अश्वथी दामोदरम और इसका एड्रेस भी दर्ज था। पुलिस उस एड्रेस पर पहुंचती है। किसी ने बताया कि वहां पर अश्वथी खड़ी है, उसका वो घर है। अब पुलिस घर पर आती है और सामने खड़ी औरत से पूछती है, क्या आप अश्वथी हो? उसने कहा, हाँ मैं ही हूँ। पुलिस ने आगे पूछा, शकुंतला कहाँ पर है? हमें उससे बात करनी है, आप बुला कर लाइए। वैसे पुलिस ये नहीं जानती थी कि शकुंतला और अश्वथी में रिश्ता क्या है। अश्वथी ने कहा, वो मेरी माँ है, मेरी उनसे बात नहीं होती है। सितंबर 2016 से वो लापता है, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है।
पुलिस ने आगे पूछा, अगर वो लापता है तो आपने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई है? इसने कहा, हमारी आपस में नहीं बनती थी, मेरा उनसे कोई भी मतलब नहीं है। पुलिस को ये अजीब लगा, बेटी कह रही है कि माँ सितंबर 2016 से गायब है, इसे उनकी जानकारी नहीं, उनकी फिक्र भी नहीं है, रिपोर्ट भी नहीं लिखाई, आखिर किस बात के लिए इतनी नफरत। अब पुलिस अपनी नज़र अस्वथी पर जमाती है और इंटरोगेशन शुरू करती है। पूछताछ के दौरान एक कहानी सामने आई, वो ये कि अस्वथी एक लड़के से प्यार करती थी जिसका नाम था सुधी। माँ शकुंतला को ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, फिर भी बेटी अपनी माँ के खिलाफ जाकर सुधी के साथ भागकर शादी कर लेती है।